हमारे सैनी जैसे यहाँ पर खेल खेलते थे, यहाँ से ना यहाँ से कलेजा जलता था। जब ये जहर 32 युवा हमारे जो खत्म हो गए थे, यहाँ जहर था वो 2016 वाला, इसलिए इस आंदोलन में आए थे हम, इसलिए इस आंदोलन में घुसे थे, इसलिए इस आंदोलन में घुसे थे कि ऐसी कोई गलत कोई कीटाणु ना घुस जाए इस आंदोलन के अंदर। क्या सोच रहा है पता नहीं इस आंदोलन के अंदर कौन कौन घुसा हुआ है, ए टू जेड छोटे से लेकर बड़े तक का पता है इस आंदोलन में कौन घुसा हुआ है, लेकिन इसलिए चुप है क्योंकि वह अपना वो जो चेहरा ना बिल्कुल सामने नहीं लेके आ रहे। लेकिन अगर उनका ये लग गया ना कि वो चेहरा सामने लेके आएंगे, नहीं तो ना देख लेना अभी किसके साथ क्या कर रहे हैं। जो अपने आप को नहीं बोलते ना 40 जथेबंदी छोड़, जो 9 लोगों की और ऊपर कमेटी बना रखी है उसमें भी जो लोग बैठे थे ना उनको भी पास आउट कर रहे हैं, ये जनता कर रही है पास आउट। दिमाग में बिठा लो, जब इतने बड़े बड़े नेताओं को बोल दिया ना चुपचाप अपने घर पर चले जाओ, तो भाई अपनी औकात का अंदाजा लगा लेना तुम्हारी औकात कितनी होगी इस आंदोलन के सामने। और भूल जाए इस चीज को कि तुम आंदोलन को तोड़ दोगे, और भूल जाए इस चीज को, आखिरी मौका है जो शब्द बोल रहे हैं पहले तो उनकी माफी मांगो दोनों, तुम और तीसरा तो माफी के लायक तब है बिल्कुल पैर पकड़ के माफी मांग लेगा, तीसरे ने तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रखी हैं। तीनों के तीनों माफी मांगो इस जनता से, और आगे से कान पकड़ के बोल दो आगे से ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे हम, हमारी तरफ से तुम कुछ भी दिखाओ भाई, किसी का भी कुछ दिखाते रहो, क्या है लाइक अनलाइक ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। 2 मिनट लगेंगी, 2 मिनट इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, भाग अनफॉलो जा भाई तेरे को जहां जाना है, खेले अपने बड़का ने, कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम इतने बड़े नहीं हो, ये दिमाग में बिठा लो। आखिरी मौका दिया जा रहा है तीनों के तीनों को, तुम्हारा वो सरपंच तो माफी मांगेगा नहीं, तुम तो अभी छोटे छोटे सपलोटिए हो यार, इतने बड़े सांप नहीं बने हो अभी तुम, छोटे छोटे सपलोटिए हो, वो तो एनाकोंडा पाक रहा पूरा, लेकिन उस एनाकोंडा को भी उस दिन हकीकत सामने आ जाएगी जिस दिन लोगों के बीच में आ जाएगा वो, उस एनाकोंडा का वो ना पंजाब वाला उस मंत्री याद होगा ना, उसका पेंट निकाले नीचे कच्चा भी नहीं था, तागा भी नहीं छोड़ दिया जनता शरीर के ऊपर तागा भी, जब अपनी पे आएगी ना इनके दिमाग में जब ये उन्माद घुसेगा ना शरीर के ऊपर तागा भी नहीं बचेगा, एक तागा नहीं बचेगा तुम्हारे शरीर पे, दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, कदे चक्कर में हो तुम। और ना तो मैं ये कह रहा था मेरे वीडियो को शेयर करो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, पहुंचाओ उन तक, कोई बात नहीं अपने आप पहुंच जाएगा जहां मेरा वीडियो पहुंचना होगा, किसी को अच्छा लगेगा ना वो अपने आप शेयर भी करेगा, शेयर टू ग्रुप भी करेगा, शेयर करेगा शेयर टू ग्रुप करेगा, बाउंडेशन हटनी होगी हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टक्कर हम सीधी सरकार से ले रहे हैं, तुम्हारा तो सवाल ही नहीं बनता मेरे भाई, कोई तुम्हारा तो कोई सवाल ही नहीं बनता फिर बीच में, जब टक्कर ही सीधी सरकार से हो रखी है तो। लेकिन तुम्हारे को आखिरी मौका बता दिया है, माफी मांग लो आकर चुपचाप, तुम्हारा लाइव वीडियो आ जाना चाहिए और माफी मांगते हुए कहना चाहिए कि हमने हमारे मुंह से गलत शब्द निकले हैं, हम माफी मांगते हैं अपने समाज से, अपने समाज से, वहां मत कर देना जाति विशेष, ऐसी कोई बात बोलते टाइम पर ध्यान दे लेना, नहीं तो तुम्हारे को रामायण महाभारत का पूरा पाठ पढ़ा दूंगा, फिर मैं पढ़ता नहीं मैं किसी भी चीजों को बगैर पढ़े बोलता हूं, लेकिन बुजुर्गों में बैठ के इतना ज्ञान लिया है मैंने, बुजुर्गों में बैठ के ये ज्ञान लिया है, फिर तुम्हारे को खोल के दिखा दूंगा मैं रामायण महाभारत चीज क्या होती है, तुमने इतने वेद शास्त्र पढ़े नहीं होंगे, फिर वो तुम्हारे को वेद शास्त्र खोल के दिखाऊंगा, और आज तक जिंदगी में पढ़े नहीं है, लेकिन तुम्हारे को पूरे मंत्र सिखा दूंगा, फिर मैं पूरे मंत्र सिखा दूंगा, 2 मिनट से 3 मिनट नहीं लगेगी, ध्यान रखना भाई इस चीज का, या तो तुम्हारा माफी का वीडियो आ जाएगा, ये जनता का उन्माद चढ़ गया ना, उन्माद चढ़ गया ये घर में भी नहीं छोड़ती फिर, वो उन्माद चढ़ चुका है जनता के दिमाग में, उस उन्माद से अगर बचना है ना तुम्हारे पास एक तरीका, माफी मांगो, माफी का वीडियो आ जाना चाहिए तुम्हारा, और ज्यादा मेरे को नहीं पता, उसके बाद आगे की बात फिर करेंगे। और लास्ट में फिर बता रहा हूं मैं, अपने आंदोलन की तरफ ध्यान रखो भाई, वहां से बोल रहे हैं अभी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं करनी वहां पे, जब जरूरत पड़ेगी तब अपने उस पर दिल्ली पहुंच जाएंगे, अभी वहां पर इतने बंदे अवेलेबल हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं उसी हिसाब से, भाई झोपड़ियां हैं ट्रेलियां हैं उसी हिसाब से बंदे वहां पर हैं, वहां पर बंदे हैं ठीक है, लेकिन अपने आंदोलन पर नजर रखो, अब उन यूट्यूबर भाइयों पर नजर रखो जो अपने आंदोलन का दिखा रहे हैं, उन पर नजर रखो भाई, कोई जरूरी नहीं हमारे को दिखा भाई तुम्हारे को, मेरी तरफ से है ना जाकर चाहे तू छोटू खोपर का इंटरव्यू ले ले, चाहे जाकर तेरे बड्डे खट्टर का इंटरव्यू ले ले, किसी का इंटरव्यू ले ले, लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा ले, माफी मांगने वाला ना कभी छोटा नहीं होता, गलती हुई है तो माफी मांगनी पड़ती है, मेरे से भी अगर कोई गलत शब्द निकल जाएगा ना तो मैं माफी मांग लूं उसी टाइम पे, लेकिन भाई ये जातिवाद धर्मवाद ये चीजें मैं बोलता ही नहीं, तो फिर गलती कहां से होगी भाई, सरकार गलत करेगी तो हम सरकार को बोल लेंगे, विपक्ष गलत करेगा तो विपक्ष को बोल लेंगे, हमने किसी का लेकर थोड़ी खा रखा है यार, किसी का लेकर नहीं खा रहे हमें ना, हमने कोई वोट मांगनी किसी से, लेकिन जो सही को सही गलत को गलत बोलता है ना वो होता है इंसान, ठीक है भाई आखिरी मौका दे रहे हैं,
और आखिरी मौका तुम्हारे दोनों को दिया जा रहा है, ध्यान रख लेना। अब देखता हूं कितनी कितना टाइम लगाओ, जितना टाइम लगाओगे उतना ही तुम्हारे को नुकसान है मेरे भाई। अब बता दिया, बिल्कुल खुल के बता दिया है, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। अब टाइम से माफी का वीडियो आने दो। राम राम भाई सभी को जिसने सुना, शेयर करया नहीं करया आप लोगों की मर्जी है यार, जिसको अच्छा लगेगा वो शेयर करेगा, नहीं अच्छा लगता मत शेयर करने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन है ना, अगर तुम अपने आप को बोलते ना बार बार पत्रकार पत्रकार, और लोग जो तुम्हारे को पत्तल चाट बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा मैं ये शब्द भी नहीं बोलूंगा, ना ही मैं वो शब्द बोलूंगा, कोई सा शब्द नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन एक इंसान बन जाओ, बाद में बनते रहना, कुम देशी विदेशी जो भी बनना ना तुम्हारे को वो बनते रहना, कुछ भी बन लेना मेरी तरफ से भाई, देशी बनो विदेशी बनो, पारवे बनो हरियाणवी बनो पंजाबी बनो तमिल बनो कुछ भी बनो, लेकिन इंसान बनो, इंसान बन जाओ, ठीक है मेरे भाई, इंसान बन जाओ। आखिरी मौका है, आगे मौका भी नहीं मिलेगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। और कमाल की बात है कि आज 150 भाई जुड़ गए, बाकी जुड़ते नहीं थे कभी, चलो जुड़े तो बहुत बढ़िया है। पता हमारे को भी हर चीज का है, मंजीत पंगाल भाई ला मैं बताऊंगा, हमारे को भी हर चीज का पता है, लेकिन हम सोचते हैं इन छोटी छोटी बातों की वजह से आंदोलन पर कोई आंच ना आ जाए, आंदोलन पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए हम क्या इग्नोर करते हैं चीजों को। बहुत चीजों को इग्नोर किया जाता है यार, बहुत बातों को इग्नोर किया जाता है। ये नहीं होता कि भाई बस वही आपकी पब्लिसिटी के लिए हर चीज के ऊपर लाइव करें बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरे को किसी चीज की टीआरपी ना चाहिए भाई, ना ही कुछ चाहिए। लेकिन जब ये आएगा ना कि हाँ ये चीज ये नासूर गहरा जख्म बन जाएगा, तो उस नासूर को वहीं रोकना चाहिए भाई, वहीं के वहीं रोकना जरूरी हो जाता है। ये नासूर बनने से पहले इसको रोक किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है भाई एक, और इस मौके को ना भुना लो, फायदे में रहोगे। एक लाइन जो पहले से बोलता हूं, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, ध्यान रख लेना। जो बातें बताई है ना दिमाग में बिठा लेना इसको, दोनों तुम दोनों भाई कर्मू और धर्मू। चोटियाले तेरे को तो चल मैं फोन ही करूंगा, ठीक है चोटियाले, तेरे दिमाग में घुस गई ठीक है, नहीं तो तेरे लिए तो ब्रह्मा अलग से ही बताऊंगा कुछ, तेरे लिए अलग से बताना पड़ेगा, तेरा तो कुछ अलग ही वो है जो एजेंडा है ना, तेरा इन दोनों से भी बड़ा एजेंडा है, नहीं पता हो तो, इन दोनों से बड़ा एजेंडा तेरा। चल इन दोनों का तो है, फिर भी इनको इग्नोर कर रहा था मैं, छोड़ो यार हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे ठीक, ठीक हो जाओ, आखिरी मौका दिया जा रहा है, इससे बड़ा मौका नहीं दिया जाएगा। राम राम भाई सभी को, जिन्हें सुना उसको भी धन्यवाद, जिन्हें शेयर कराया उसका भी धन्यवाद, शेयर टू ग्रुप कराया और बड़ा धन्यवाद भाई। बाकी सभी भाइयों को राम राम, खुश रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो। अरे ये चीजें चलती है ना, गलत को गलत बोलना सीखो, जरूरी नहीं है भाई हर चीज के लिए हम बोल लेंगे, हर भाई बोलो, लेकिन सब तरीके से, कोई ऐसा शब्द मत बोलो कि आपकी माँ बहन बेटी उस वीडियो को देख ना सके, ये चीज दिमाग में बैठा कर बोल लिया करो। ये चीजें हमेशा दिमाग में रखना कि आपके वीडियो को हो सकता है आपकी माँ देख ले, आपकी बहन देख ले, आपकी बेटी देख ले, ठीक है, ये दिमाग में रखा करो यार। अगर आप सोशल मीडिया पर लाइव करते हो, चलो सभी लाइव करो यार, अच्छी चीज है, सभी लाइव करो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान में रख के कि आपका परिवार भी उस वीडियो को देखेगा। अब आगे से, अभी तक तो भाई मेरे लिए थी, इसलिए मेरे लिए थी कि भी आंदोलन बचा रहेगा, ध्यान रखना भाई। आज तो फिर भी ढीले शब्दों में बताया है, मजबूर मत करना कि इससे कड़े शब्द मेरे को यूज करने पड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना। राम राम भाई सभी भाइयों को।